नवरात्रि, आज मैं नवरात्रा के खाना बना रही हूँ। जिस दिन में फास्टिंग रहता है, शाम में एक टाइम खाना है, तो अरवा खाना खाना है। उसमें क्या क्या बनना चाहिए आज बनाती हूँ। सिंपल ढंग से ही बना, सरसों का तेल भी में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं। सरसों का तेल बना के थोड़ा घी डाल देती हूँ। पहले मैं आलू भूजती हूँ, जिसको बोलते हैं भुजिया। इसमें कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ मिर्ची और नमक और हल्दी डाल दूंगी। देना पड़ता है हल्दी मैंने डाल दी हूँ, और इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ स्वाद से, जितना स्वाद हो। इसे लाल होने तक मैं भूजती हूँ। ये परवल है, परवल भाजा बनेगा। इसके लिए थोड़ा नमक, और थोड़ा हल्दी। इसे मैं मिला कर रख देती हूँ, नमक अंदर तक चला जाएगा। कढ़ाई में थोड़ा भुजिया वाला ही कढ़ाई में तेल डाली हूँ। ये परवल नमक हल्दी मिला के मैं रखी थी, अब इसको मैं तलती हूँ। परवल भाजा तो ऐसे सिंपल बनता है। परवल भाजा नमक हल्दी देखे, जैसे बैगन भाजा बनाते हैं ना, उसी तरह परवल भाजा। कोई मसाला नहीं डालती हूँ, जैसे कि लहसुन प्याज खाना रहता है लहसुन। देखिए फ्रेंड, परवल भाजा आधा लाल हो गया, थोड़ा और लाल होगा, उसके बाद मैं निकाल दूंगी। परवल भाजा में कोई मेहनत नहीं लगता, बस नमक हल्दी लगा के जैसे बैगन का भाजा बनाते हैं उसी तरह। वो आलू है जिसका पकौड़ी बनेगा, ये आदि कद्दूकस किया हुआ अदरक है, और ये हरी मिर्च है, तीखा नहीं है इसलिए थोड़ा डालेंगे, तीखा रहता है तब तो खाने में मजा आता है। ये धनिया पत्ती है, ढेर सारा। ये नमक स्वाद अनुसार जितना लगता है उतना डाल सकती है। ये सूखा जीरा का पाउडर, ये धनिया, ब्लैक पेपर, सोप वगैरह है इसके, थोड़ा ये भी डाल देती हूँ। ये अजवाइन है, पर मैं धो के डालूंगी, पूजा कर रहा है इसलिए नहीं डाल। इसको मिलाऊंगी सारा चीज, इसको सारा मिला के आलू का टिकिया बना के रखूंगी और बेसन घोलूंगी, थोड़ा जीरा पाउडर। धनिया सोप, ब्लैक पेपर का पाउडर, स्वाद के लिए। दे
ऐसे में घोलते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालो। इस तरह से पूरा करके रखें, तेल गर्म हो गया है, ये आलू का पकौड़ी बनाते हैं। इसमें खाने का सोडा वोडा कुछ भी नहीं डाले हैं, ऐसे बनाते हैं तो डाल देते हैं, पर अभी एकदम नहीं। नमक अजमा यही सब। यहाँ दाल के तड़के की तैयारी हो रही है। जीरा, दो तेज पत्ता भी धोकर मैं रखी हूँ। हरी मिर्च जो ऐसे महीन वाला बचा था वो भी दे देती हूँ, इसमें से भी थोड़ा डालूंगी। मिर्ची तीखा नहीं है। और ये अदरक रखी हूँ, पका लो। जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डालें, और थोड़ा सूखा भुंजी भी डालूंगी, चले पक जाए। पक गया है, अब ज्यादा करूंगी तो चल जाएगा, इसीलिए अब जो इसमें पड़ना है उसको डालना है। हींग, धनिया, जीरा, सौंफ, ब्लैक पेपर है, जीरा थोड़ा सा दे देती हूँ, बस इसको मसाला को ज्यादा पकाना नहीं, दाल डालना है। थोड़ा पानी पड़ेगा, जिस तरह का खाते हैं उस तरह से गढ़ा पानी मिला सकते हैं। मेरे घर में ज्यादा गढ़ा दाल नहीं था, इस तरह से फिर भी ठीक है, ज्यादा ना गढ़ा है ना गढ़ा, उबल जाएगा। इसके बाद धनिया पत्ता और घी। देखिए फ्रेंड, मेरा दाल अच्छे तरीके से उबल गया है, गाढ़ा भी मैं पूड़ी बनाने जा रही हूँ, इसके लिए घी डाल रही हूँ।
देखिए ये पूरी है, ये दाल है, ये परवल भाजा है, ये आलू का भुजिया है, ये आलू चौप है, ये थोड़ा सा मिर्ची का भी बनाए थे एक दो, ये है और चावल बनाए हैं, चावल भी दिखाते हैं। थाली लगाते हैं तो आपको सब दिखा देते हैं। तो हम क्विकली प्रसाद की थाली जो है वो रेडी कर देते हैं। देखिए इस तरह का थाली बनाए हैं, अभी दो तीन दिन आपको टाइम जब जब मिलेगा तब तक हम भोग बना के दिखाएंगे। इस तरह से बनाइए, जो फास्टिंग करते हैं शाम में एक टाइम खाते हैं, आराम से खाइए और बताइए सादा खाना कैसा बना। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बोलिएगा।